Hello everyone, welcome to AJ Classes. Today, as you can see from the screen, we will be doing the maths for NTPC. इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन एक वीडियो दिया था मैथ्स तड़का फॉर NTPC. NTPC में 30 मार्क्स का मैथ्स का पोर्शन रहेगा जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. आज ये पहला वीडियो है, ये फर्स्ट पार्ट है मैथ्स के वीडियो के लिए. तो इसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस्ड होगा और इसमें मैं क्वेश्चन लिख के आपको जिस तरह से दिखाता था वैसे ही रहेगा और फिर मैं सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है, फॉर्मूला के साथ. जैसे कि क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 4 times, बाय हाउ मेनी टाइम्स डज इट्स एरिया इंक्रीज. तो सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा पोर्शन जिसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है ना, इसको पूरा कर देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा. इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, सर्किल का होता है उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे तो ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है. अब इसमें क्या बोल रहा है कि रेडियस को अगर हम लोग 4 times कर दे रहे, 4 times मतलब क्या हुआ, हम लोग 4 r कंसिडर करेंगे. तो एरिया जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि एरिया और रेडियस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो कोई भी चीज़ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो अगर आप एरिया को बढ़ाइएगा, सॉरी, अगर आप रेडियस को बढ़ाइएगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा ही होगा, है ना, जस्ट ऊपर ही में ही लिखा हुआ है. तो अगर हम लोग इसको 4 को स्क्वायर करते हैं तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 16 times. कैसे, जिस तरह से फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वो एज इट इज़ रह गया. 4 times हम लोग कर दिया रेडियस को तो जो कि हम लोगों को मिला 16 into के साथ, तो यही हुआ 16 times ऑफ द एरिया इंक्रीज. होप्स वो आपको समझ में आता होगा. ये कि बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है. इस टाइप का क्वेश्चन भी NTPC में आता है जो कि ज्योमेट्री सेक्शन से बिलोंग करता है और मेंसुरेशन को भी कवर अप करता है, ठीक है. तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है जो मैं स्टार्ट किया हूँ तो लाइक बटन टिपिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और NTPC का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में जितने भी वीडियोस मिलेंगे वो आपको लेटेस्ट अपडेट्स के तौर पे मिलते रहेंगे. आज से हमारा ये सेशन मैथ्स का स्टार्ट हो रहा है, चलिए स्टार्ट करते देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, आप देख सकते हैं. इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास. मनोज गॉट 150 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, व्हाट इज द टोटल मार्क्स. ठीक है, तो आप ये समझिए, पहला लाइन जो यहाँ सेकंड लाइन में दिया है कि ये 150 मार्क्स लाने के बावजूद भी 15 मार्क्स से फेल हो गया, तो मतलब कि पास मार्क्स कितना है. पास मार्क्स अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हो रहा है 150 प्लस 15, जो कि इतना लाना चाहिए वो लाया 150 और 15 मार्क्स से फेल हो गया, तो ये हो गया टोटल पास मार्क्स, है ना. तो ये टोटल पास मार्क्स है हमारा और इतना लाना होगा, लेकिन टोटल मार्क्स हम लोगों को पता नहीं है और यही टोटल मार्क्स हम लोगों को निकालने बोला है. तो टोटल मार्क्स को अगर हम लोग एक्स ले लेते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरह अप्रोच करेंगे. जैसे देखिए, पास मार्क्स हम लोगों ने निकाल दिया, ये टोटल. तो अब जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स, 33% ऑफ टोटल मार्क्स हम लोगों ने एक्स लिया है, वो कितना होगा पास मार्क्स, 165. इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा. यहाँ से देखिए, 11 threes are 11 ones are 11 fives are, उसके बाद 3 ones are 3 fives are, तो एक्स हो गया हमारा टोटल मार्क्स 500 मार्क्स हमारा आंसर. देखिए, आपको अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर से रिवाइंड करके देखिए. अच्छे ही सही समझाया हूँ मैं जितना हो सका है. क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ गया, आप देख सकते हैं. बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी कुछ नंबर सिस्टम से ही कवर्ड अप होता है, जैसे डिजिट वगैरह, ठीक है. सम ऑफ ऑल 2-digit नंबर्स डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल 2-digit. अब हम लोग मैक्सिमम 2-digit जानते हैं कि 99 होता है, तो मिनिमम जो होता है वो 10 होता है, लेकिन 10 इज़ नॉट डिविजिबल. तो हम लोगों को पहला ऐसा नंबर लेना है जो कि डिविजिबल होगा, तो आप फटाक से बोल ही सकते हैं कि 12 है जो कि पहला डिविजिबल होगा. तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया. इसको हम लोग AP का एक फार्मूला होता है, सम ऑफ द टर्म्स, उस तरह से ही सॉल्व करेंगे. SN का एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा कि n by 2 into a plus l, n by 2 a plus l,
एल होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होगा 99, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 9, 3 3 9 है ना, तो लास्ट टर्म हमारा हो गया 99, एल मिल गया 99, ए मिल गया 12, बिकॉज 12 इज डिविजिबल बाई 3। एंड हम लोगों का टर्म्स कैसे निकलेगा, अब एन तो मिला नहीं है, तो इसलिए इस फॉर्मूला में पहले एन निकालना होगा। तो इस एन को अगर एपी का फर्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, जो एपी का एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन होल डी, यहां से हमारा एन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा लास्ट एनथ टर्म होगा वो 99 होगा, ये लास्ट टर्म है ना। तो इस फॉर्मूला में हम लोग अगर पुट करते हैं तो हमारा एन का वैल्यू निकल जाएगा। तो फटाक से कर दिए, ए हमारा 12 है, एन माइनस वन एज इट इज, डी जो होता है कॉमन डिफरेंस 3 का डिफरेंस पड़ेगा, और 99 एज इट इज, तो 3n माइनस 3 इज इक्वल टू, इधर माइनस गया तो ये बन गया 87, ठीक है, 87 गया, n इज इक्वल टू 87, इधर गया 90 30, मैं जल्दी शॉर्ट में किया हूँ आप लोग समझ लीजिएगा, इधर 3 गया 90 होगा, 90 डिवाइडेड बाई 3 30, ठीक है। तो ये n को जो 30 मिला है उसको इस वाले फॉर्मूला में डाल देंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2, a है हमारा 12, l है हमारा 99। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा ये जो क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 1s are 2 15s, और ये हमारा 115 इसको करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1665, 1665 इज द आंसर। देखिए समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा रिवाइंड करिए, देखिए हर एक स्टेप को किस तरह से, मैं 10 से 12 लिया, 10 सबसे छोटा डिजिट होता है, लेकिन 12 इज लिया क्योंकि वो डिविजिबल बाय 3 होता है, लास्ट 99 ही होगा टू डिजिट नंबर, तो वो 33 से डिवाइड हो जा रहा है, तो वही लास्ट टर्म हो गया। पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये एपी का हम लोगों ने एन का वैल्यू निकाला, उसके बाद फिर ये सम वाले फार्मूला में पुट किया और एन यहाँ पर 30 लिखा और सॉल्व किया, 1665 आ गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया, देख लीजिए, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x6 + x4। एक्स स्क्वायर अगर 12 है तो आप समझिए x4 क्या होगा, x² × x², ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू दिया हुआ 12 × 12 144, 12 का स्क्वायर, और x⁶ क्या होगा, 2 2, और एक बार और होगा, मतलब x का अगर हम लोग इस तरह से करते हैं तो इंडिसेस यही बोलता है ना, या ये दोनों का एडिशन ये तीनों का हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1728। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसमें पुट कर दीजिए 1728 प्लस 144, हमारा आंसर आ जाएगा, और आंसर है 1872। इस क्वेश्चन का आंसर है 1872। होप सो क्लियर हो गया होगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं, और एज सम भी इसको बोल सकते हैं। टोटल एज ऑफ पी एन क्यू इज 15 ईयर्स मोर देन द टोटल एज ऑफ क्यू एन आर, आर इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन पी, ठीक है। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में ही आएगा, देखिए जो जो दिया रहता है उसी को क्वेश्चन से बनाया जाता है। टोटल एज दिया हुआ है पी प्लस क्यू का 15 साल, और सिर्फ 15 साल नहीं है, उसके साथ और भी है सेंटेंस, 15 ईयर्स मोर देन द टोटल एज ऑफ क्यू एन आर, मतलब कुछ इस तरह से है, ठीक है, सही लिखा। पी प्लस क्यू का जो एज है 15 ईयर्स मोर देन द टोटल एज ऑफ क्यू एन आर, सही लिख दिया। अब जो है क्यू को इधर लेके आ जाते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, पी प्लस क्यू ये माइनस हो जाएगा पूरा, माइनस क्यू, और इधर पूरा माइनस आया तो माइनस आर भी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आर, विच इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, हमारा जो इक्वेशन बन के आया पी माइनस आर इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन बन के आया। और अगर आप देखिएगा सही से तो यही क्वेश्चन का आंसर भी मांग रहा था, क्वेश्चन क्या था, आर इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन पी, तो आर कितना यंगर है, 15 साल का, ठीक है, 15 साल का छोटा ही है इसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसी तरीके का सम्स होता है। एनटीपीसी में आपसे ट्रिग्नोमेट्री का हाई फाई नहीं पूछेगा और ना ही ये सब क्वेश्चंस में कोई हाई फाई पूछेगा। हाँ, नेक्स्ट लेवल में हो सकता है टायर टू में थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, तो उस समय के हम लोग उस वक्त प्रिपरेशन करेंगे। अभी टायर वन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्स है, मैक्सिमम टाइम इसी के तरह ही क्वेश्चन आता है। और क्योंकि ये मैंने एप्टीट्यूड के एक बुक से लिया हूँ तो उन्होंने तो पूरा निकालने दे दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। आपके जब MCQs में आएगा तो कभी पूछेगा 25 पैसे कितने हैं या 50 पैसे कितने हैं या 10 पैसे। लेकिन कभी कभी अगर उन लोगों का दिल किया तो वो लोग तीनों भी निकालने दे सकते हैं, ऑप्शन में तीन वेरिएबल्स भी दिया रहता है। तो देखिए दिखा है, मनी बैग कंटेन्स 50 पैसे 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:9:4। तो अगर हम लोग एक्स पकड़ लें तो नंबर ऑफ कॉइन्स जो हमारा होता है रेशियो के हिसाब से, अगर रेशियो को तोड़ने मांगेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स का जो वैल्यू हो रहा है वो हो रहा है 5x 9x एंड 4x। ठीक है, कॉइन्स का टर्म हमारा आ गया। उसके बाद जो है किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके लिए टोटल अमाउंट हमारा दिया हुआ है 412। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 412 इज इक्वल टू रुपीज 412। इसको भी कंसिडर करेंगे, राइट हैंड साइड में हमारा 412 ही होगा। अब जो है हम लोगों को ये देखना है कि कितने सारे 50 पैसे मिला के एक रुपया बनता है, एक रुपया का वैल्यू, क्योंकि ये सब पैसे में है तो रुपीज़ में चेंज करने के लिए। इसको कैसे करेंगे, इसको अगर हम लोग दो बार करेंगे तो ये एक रुपीज़ मिल जाएगा, इसको अगर हम लोग 4 times करेंगे तो ये एक रुपीज़ देगा, वैसे ये अगर 10 times लेंगे तब ये एक रुपीज़ देगा। देखिए अगर समझ पा रहे तो ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब हमारा रुपीस पे टर्म आ गया, क्योंकि हमारा जो 412 है ये रुपया में है पैसा में नहीं है, इसलिए पैसे को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीस में, तो हो गया हमारा कन्वर्जन। तो 5 इस तरह से रिक्वायर्ड आंसर जो हमारा होगा वो ये होगा कि 5x/2 + 9x/4 + 4x/10। ये तमाम का सम्स जो होगा 412 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बेसिक रूल है, आपके पास अगर कोई फास्ट रूल है तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। ये तो कब से काफ़ी सजेस्टिव फास्ट भी है और ठीक है, तो ये आंसर लाने में भी काफ़ी आसानी होता है। आप देख सकते हैं इसका एलसीएम क्या हो रहा है, 20 हो जा रहा है, करके देख सकते हैं 2 10 times means 5 50x, है ना। फिर 4 5 5 9 45x + 2 8 हो गया 8x, ये 412 के साथ इंटू 20 हो जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर अब हमारा एडिशन कितना हो रहा, 8 5 13 3 है मेरा 1 4 5 9 1 10 103x = 412 × 20। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, अगर हम लोग इसको पूरे को 4 से डिवाइड कर ले रहे, देखिए 4 से ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है 412, तो x का वैल्यू हमारा आ रहा है 80। अब जो आपको कॉइन मांगेगा उस कॉइन के हिसाब से x के वैल्यू में पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। होप सो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है अलग अलग टर्म्स से, अलग अलग पैसा से, 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया भी यूज़ करता है, तो उस तरह से ही करना पड़ता है हम लोगों को। उसमें डेसिमल आता है, इसमें फॉर दम होल सम में हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इफिशियंसी ऑफ अरमान टू डू अ वर्क इज ट्वाइस एज फास्ट एज बिष्णु। इफ बिष्णु कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज देन द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी टुगेदर कैन। ठीक है, तो आप पहले ये देखिए इफिशियंसी और टाइम का जो रेशियो होता है वो इन्वर्सली होता है। इफिशियंसी का जो रेशियो आ रहा है, अगर अरमान को ए पकड़े और बिष्णु को बी पकड़े, तो इफिशियंसी का जो रेशियो आ रहा है तो अरमान ज़्यादा जल्दी काम कर रहा है, 2:1 हो रहा है। और टाइम का जो रेशियो होगा वो हम लोग जानते हैं इफिशियंसी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो उल्टा हो जाएगा, टाइम जो होगा अरमान को कम लगेगा और बिष्णु को ज़्यादा लगेगा। ठीक है, होप सो इतना कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अभी वक्त नहीं है कि टाइम एंड वर्क आपको बताया पूरा, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम सम्स ही करेंगे, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये दिया हुआ है कि बिष्णु काम को 18 दिन में कर लेता है 18 डेज में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1 निकल जाएगा 9 डेज। अब बोल रहा है
कि दोनों मिला के कितना में करेगा, तो दोनों मिला के अगर करेगा तो तीन, तीन हो गया इन लोगों का टाइम का रेशियो, तो थ्री इज इक्वल टू कितना होगा। अगर देखिए दो जो इफिशियंसी है बिष्णु का, हालांकि वक्त तो कम ही लगता क्योंकि दोनों मिला के कर रहे, लेकिन ये जो है सुस्त है, इसकी वजह से हमारा 27 डेज लग जाएगा। 3 × 9 = 27 डेज लगेगा, क्योंकि एक सुस्त है और एक चालू है, तो दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, 27 दिन लग जाएगा। काम जो कि जल्दी ख़त्म होना था वो काफ़ी वक्त लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, ये टाइम एंड वर्क का एक स्टार्टिंग फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं, M1 D1 T1 / W1, इस फॉर्मूले पे ही ये वाला सम्स बेसिस है। आप देखिए किस तरह से है, और विच इज इक्वल टू M2 D2 होगा ना, उसी तरीके से सम मैन कैन डिग अ पॉन्ड इन 24 डेज, 2 times द नंबर ऑफ सच मैन विल डिग हाफ ऑफ दैट पॉन्ड इन हाउ मेनी डेज। सम मैन मतलब मैन का गिनती हम लोगों को नहीं पता है, कैन डिग अ पॉन्ड इन 24 डेज, D1 दे दिया है 24, टाइम मैंशन नहीं है, लेकिन वर्क बोला, एक वर्क हुआ, ठीक है। अब वो वर्क को, सेम वर्क को करने के लिए ये लोग 2 times मैन बनाएगा, मतलब हम लोग पहले जैसे एक्स ले रहे थे उस तरह से हम लोग अब 2x लेंगे, और अब बोल रहा है कि कितना दिन लगेगा, D2 कितना लगेगा। काम जो है, काम को भी आधा कर दिया गया है, ये देखिए, ये देखिए, हाफ ऑफ दैट पॉन्ड, हाफ ऑफ दैट पॉन्ड माने पहले जो W काम हुआ उसका हाफ अब लगेगा। तो अब इसको बस सिंपली आप कटिंग कर लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 4 बन जाएगा, पहले ये WW कट गया, ये 2 नीचे ऊपर जाएगा 4 होगा, 4 × 6 = 24, तो D कितना हो गया, 6 days, हम लोगों को सिर्फ 6 days लगेगा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, 6 sperms वर्किंग 6-8 hours a day कैन एम्प्टी अ टैंक इन 2 days। ये पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर से लिया गया है, जो कि टाइम एंड वर्क से बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमिलर है। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा जो M1 D1 वाला हम लोगों ने किया अभी, उसी टाइप का फार्मूला सेम। अब जैसे 6 pump काम कर रहा है, कितना देरी काम कर रहा है, 8 hours, T दे दिया है 8 hours, और ये एम्प्टी कर रहा है टैंक को 2 days में, 2 days में एक टैंक को वो लोग खाली कर ले रहा है, मतलब कि W काम वो लोग कर ले रहा है, ठीक है। अब वही बोल रहा है हाउ मेनी आवर्स, आवर्स निकालना है मतलब T निकालना है, T2 काम करेगा 8 pumps, 8 pumps अब काम कर रहा है एक दिन के अंदर, काम सेम है तो काम कट गया वर्क, T2 निकालना है, 8 यहाँ से कैंसिल, 8 यहाँ से कैंसिल, तो T2 क्या आया हमारा, 12 घंटा। होप सो आपको क्लियर होता होगा, काफ़ी इजी होता है ये सब टाइप का प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नीचे लिखा है, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सम, हम लोगों को सम बताना था, जिसमें हम लोगों ने पहले 12 निकाला था, 3 से डिविजिबल वाले का सम निकालना था। अभी जो है, अभी फर्स्ट फार्मूले से ही हो जाएगा। फर्स्ट फार्मूला जो बोलता है AP का, AN इज इक्वल टू A+N-1 D, इसी फॉर्मूला से हो जाएगा। किस तरह से, जैसे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 है तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 6, n हम लोगों को निकालना है, लास्ट डिजिट अगर हम लोग निकाल लेंगे तो वो an का हो जाएगा, an जो होगा लास्ट डिजिट वो क्या होगा, हम लोग पहले फर्स्ट डिजिट 3-digit का देखते हैं जो कि डिविजिबल होगा। पहले तो सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा 3-digit ये है, तो 6 से डिविजिबल होने वाला ऐसा नंबर लेना है, तो 102 जो होता है वो 6 से डिविजिबल होता है, जो कि वैल्यू ऑफ a हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप चेकआउट करिएगा तो 996 इज डिविजिबल बाय 6, तो ये हमारा an या tn या लास्ट नंबर बोल सकते हैं। तो ये 996 यहाँ पुट करेंगे, a के जगह में आपका 102 हो गया, प्लस n-1 एज इट इज, d हमारा 6 है, यहाँ से हमारा n का वैल्यू निकल जाएगा। आप घर में प्रैक्टिस करते करते इसको चेक भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 150, एन विल बी कमिंग अराउंड 150। होप सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग AJ क्लासेस, कीप सपोर्टिंग। अब हम लोग आगे जो है रीजनिंग वगैरह भी करेंगे, और ये सीरीज जो स्टार्ट हो चुका है, मैं जल्द से जल्द इसको
ज़्यादा से ज़्यादा सम्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तब तक के लिए रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, टेक केयर।